गाइस, यूएफसी 251 फाइट आइलैंड का कार्ड इतना अच्छा था और पीटर यांग वर्सेस जोसे आल्डो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छी फाइट होगी और फाइट रही भी। और मैं जो बोल रहा था कि कार्ड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा कार्ड था, तीन टाइटल फाइट्स थे, लेकिन कोई भी उस तरीके का स्पेक्टैक्युलर टाइप का कोई फाइट नहीं था इस मेन कार्ड पे, नहीं हुआ। लेकिन तब भी बात करते हैं आपको जोसे आल्डो और पीटर यांग के फाइट में क्या हुआ। तो हमको उम्मीद नहीं थी कि जोसे आल्डो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। पहला बात कि हमको ऐसा लग रहा था कि जब वो फेदर वेट से बैंटम वेट में आ रहा है तो हमको ऐसा लग रहा था कि उसको कितनी ज्यादा तकलीफ होगी या वो उसको 10 पाउंड और लूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी और उसके पास इतना मतलब कितना ज्यादा बॉडी फैट, बहुत कम बॉडी फैट पहले भी था। हमको तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, और जैसे वो एज हो रहा है बेसिकली, मतलब एमएमए की गेम में मतलब एज उतना ज्यादा उसका है नहीं, लेकिन तब भी हमको लग रहा था कि वो लाइट वेट में जाकर खबीब को कंटेंडर बनने की कोशिश करेगा और उसमें वो चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। लेकिन हमको ऐसा लग रहा था, ऐसा हुआ नहीं। और पीटर यांग के साथ जो फाइट हुई उसमें जोसे आल्डो ने दिखाया कि ही इज लाइक अ वेरी गुड फाइटर, ही इज लाइक लेजेंड मैन, क्या कह रहे हैं हम। लेकिन उसने दिखाया कि वो फेदर वेट के जो ये नए फाइटर्स हैं उनमें वो कंटेंडर बनकर रह सकता है। अभी आप इतना जल्दी आप उसको लूज आउट कह नहीं दीजिएगा कि वो अभी जो नेक्स्ट जेन फाइटर्स आ रहे हैं, जैसे पीटर यांग हुआ, आपको एल्जेमिन स्टर्लिंग हुआ, कोरी सैनहैगन हुआ, शॉन ओमैली हुआ, ये लोग जो नए फाइटर्स हैं उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने किया और काफी अच्छी फाइट रही। और सबसे पहले इस फाइट को देखकर जो हमको पहले से पता था पीटर यांग के बारे में, कि पीटर यांग एक तरीके से बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड फाइटर है। वो हाई गार्ड करके फॉरवर्ड मूव करता है और उसके बाद से हर चीज वो थ्रो नहीं करता है। लेकिन इस फाइट में हमको देख के लगा कि आल्डो जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव था, लेकिन हर एक जो थ्रो कर रहा था, आपको लेग किक्स हुआ या आपको पंच हुआ, आल्डो ज्यादा थ्रो कर रहा था वॉल्यूम स्टार्टिंग में, तो उसका काउंटर स्ट्राइक पीटर यांग जरूर कर रहा था। वो एक तरीके से आल्डो को उतना ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था जो देना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लेजेंड फाइटर्स जो लोग होते हैं कि अगर उनको रेस्पेक्ट मिल गया और पता चल गया कि ही इज अ गोट, मतलब सही वाला गोट, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वाला नहीं, ही इज अ गोट, आई एम अ लायन, तो मतलब अटैक करना है, उस तरीके का वो माइंड सेट पीटर यांग चाह रहा था कि ऐसा ना बने। और इस वजह से, और फर्स्ट राउंड के लास्ट 30 सेकेंड्स में जो ग्राउंड एंड पाउंड हुआ ना, और लास्ट एक शॉट जो आपने देखा होगा फाइट, तो बहुत ज्यादा एक रिब के पास एक फाइट एक पंच मारा था पीटर यांग ने जोसे आल्डो को, वो बहुत ज्यादा हर्ट किया। हमको ऐसा लगता है कि लगता था फर्स्ट राउंड देखने के बाद कि थर्ड फोर्थ राउंड में उतना ज्यादा कॉम्पिटेटिव जोसे आल्डो नहीं होगा, लेकिन जोसे आल्डो सेकेंड और थर्ड राउंड में और अच्छा, मतलब उसने फर्स्ट राउंड से अच्छा आपको चैलेंज पीटर यांग को दिया। लेकिन पीटर यांग वॉज लाइक वेरी डिटर्मेंट टाइप ऑफ फाइटर, बहुत ज्यादा डिटर्मेंट होकर आया था कि आई विल बी द चैंपियन। और फोर्थ फिफ्थ राउंड में मतलब उसने एकदम फाइट चेंज कर दी, जब उसको ऐसा लगने लगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में भी हम हार चुके हैं, तो दैट वॉज लाइक मेन कार्ड पे सबसे अच्छी फाइट हमको यही लगी। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव था। लेकिन अब क्या होगा, पीटर यांग तो एल्जेमिन स्टर्लिंग, मतलब क्लियरली यूएफसी को वही एक फाइटर है जो कोरी सैनहैगन को जिस तरीके से उसने सबमिट किया था, डैट वॉज अमेजिंग। और इस वजह से हमको ऐसा लगता है कि एल्जेमिन स्टर्लिंग, मतलब हमको ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर चैंपियन बन सकता है या कंटेंडर बहुत दिन तक रहेगा बैंटम वेट में, तो इन दोनों का मैच होना चाहिए। और जोसे आल्डो के साथ मतलब डोमिनिक क्रूज का नाम थ्रो किया जा रहा है, तो लेट्स फाइट डोमिनिक क्रूज एंड जोसे आल्डो।